नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 16 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम पीई कॉन्ट्रैक्ट यानी यूरोपियन पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत पीई बायर्स को होने वाला प्रॉफिट और साइमल्टेनियसली पीई सेलर्स को होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करने वाले। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं सेवन सेंस यूट्यूब चैनल के साथ में। तो हमने देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो ऑप्शन होंगे, या तो कॉल ऑप्शन होगा या तो पुट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन के बारे में तो देख लिया, आप पुट ऑप्शन के ऊपर फोकस करते हैं। किसी भी कंपनी के पुट ऑप्शन के जो शेयर्स होते हैं उसके सामने पी लिखा होता है, यानी यूरोपियन पुट ऑप्शन। ठीक है, तब ये जो शेयर्स है, जो लोग ऐसा सोचते हैं पीई वाले शेयर्स आने वाले कुछ दिनों में गिरने वाले हैं, उनके जो दाम है वो गिरने वाले हैं, तो ऐसे जो लोग सोचते हैं वो बियर की तरह सोचते हैं, बियर माइंड है। तो ये जो लोग होते हैं वो होते पीई के बायर, है ना, पुट ऑप्शन के बायर होते हैं, जो सोचते हैं कि आने वाले दिनों में इन शेयर्स के दाम गिरने वाले हैं। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो पीई शेयर्स है कंपनी के, इनके दाम बढ़ने वाले हैं, तो ऐसे सोचने वाले जो होते हैं बुल टाइप के लोग होते हैं, बुल का किरदार निभाने वाले, उनको पीई के सेलर बोलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों के लिए हमने एग्जाम्पल देखा था N95 मास्क का, जिसका आज की तारीख में रेट 100 रुपीज चल रहा है। अब इसके लिए आने वाले दिनों में क्या होगा, तो ये दो टाइप के लोग यहाँ पे सोचेंगे। अब पीई बायर जो है, जो बियर माइंड है, बियर का किरदार निभा रहा है, वो क्या सोचेगा कि पीई के दाम आने वाले दिनों में घट जाएंगे, क्योंकि कोरोना कोई आने वाला नहीं है और इसका डिमांड जो है मार्केट से कम हो जाएगा, तो इसके दाम अपने आप कम होने वाले हैं, 70 के नीचे जाएंगे। ठीक है, 70 रुपीज के नीचे ही रहेंगे। अब उसके विपरीत में पीई सेलर जो है वो क्या बोलेगा कि ये जो N95 मास्क है, इसका जो रेट है आने वाले दिनों में बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये 70 रुपीज के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अब ये दोनों का बहस वाला प्राइस जो है 70 रुपीज से स्टार्ट हुआ है, तो ये 70 रुपीज इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्राइक प्राइस का काम करेगा। अब 70 रुपीज स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब ये दोनों में जब पीई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही थोड़ी होता है ना कुछ तो उसमें टोकन वगैरह लेना होता है। तो ये पीई बायर जो है वो अपने लिए एक अधिकार, एक हक को खरीदी कर लेता है, बाय कर लेता है। इसको क्या बोलेगा, भैया आने वाले दिनों में मैं बोल रहा हूं कि प्राइस जो है 70 के नीचे ही रहेगा, और अगर 70 के नीचे रहा तो मैं तुझे ये ही N95 मास्क 70 में ही बेचूंगा, मार्केट में चाहे जो भी रेट हो नीचे वाला, मैं तुझे 70 में ही बेचूंगा और तुझे इसे खरीदना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये दोनों को, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये चीज दोनों को भी मानना होता है। अब ये पी बायर ने अपने लिए अधिकार तो खरीदा, लेकिन उसके बदले इसको कुछ तो देना होता है, उसे बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम की तौर पर इसे ये 10 रुपीज दे रहा है। ठीक है, पर शेयर 10 रुपीज इसको जाएगा, तो ये पी बायर का यहाँ पे 10 रुपए का नुकसान हो गया और पी सेलर ने यहाँ पे 10 रुपए का कमाई कर लिया दोस्तों, मुनाफा बना लिया। कॉन्ट्रैक्ट बनते ही इसका मुनाफा हो गया, इसका नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये कोई प्रीमियम वगैरह वापस नहीं जाएगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है दोस्तों। और इसको अधिकार क्या मिला है कि ये एक्सपायरी के दिन इसको 70 में ही बेचेगा, वो मार्केट में चाहे 30 रुपये बने लेकिन इसको 70 में बेचेगा और इसको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, ही इज राइट टू सेल, इसने बाय क्या किया है, राइट टू सेल बाय कर लिया अपने लिए। अब जब एक्सपायरी का दिन आ गया और मार्केट में बियरिश ट्रेंड की वजह से मार्केट का प्राइस कहाँ पे आया, 30 रुपए पे आया दोस्तों। जैसे कि बीपी का बायर जो बोला था कि मार्केट गिर जाएगा, 70 के नीचे जाएगा, तो इसका मानना जो था वो सही हो गया, 30 रुपए पे आ गया। और पीई सेलर का जो मानना था कि 70 के ऊपर रहेगा, तो वो 70 के ऊपर नहीं गया, नीचे गया, तो इसका जो मानना था वो गलत हो गया, ये सही हो गया। इसके लिए अब ये मुनाफे में जाना साजिकता है दोस्तों, ये मुनाफे में आएगा पीई बायर। तो देखते हैं ये इसका कितना कमाई होता है और मुनाफा कितना होता है। तो जो 30 रुपए रेट चला ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो इसको हमने क्या बोला, स्पॉट प्राइस बोलना है, अंडरलाइंग प्राइस। ये 70 रुपीज हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस होगा। अब जब पीई कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस होता है।
जबकि कॉल ऑप्शन के लिए उल्टा होता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होता है। अब ये पुट ऑप्शन की बात चल रही है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, आईवी निकालना है, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस लेना होता है। तो स्ट्राइक प्राइस कितना था 70 रुपीज, माइनस स्पॉट प्राइस कितना था 30 रुपीज, तो इसका कमाई कितना होगा 40 रुपए, है ना। यहाँ पे 40 रुपए इसका कमाई हो गया, या फिर पीई सेलर के लिए इसका नुकसान हो गया। पीई बायर का नजरिए से इसको फायदा हो गया और इसको यहाँ पे नुकसान हो गया। अब देखते हैं असल में मुनाफा कितना हो रहा है दोनों को और नुकसान कितना हो रहा है। अब बात करेंगे पहले तो हम पीई बायर्स की, पीई बायर्स का प्रॉफिट देख रहे हैं हम। तो पीई बायर्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो 10 रुपए प्रीमियम की तौर पर पीई सेलर को दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। तो इसका यहाँ पे 10 रुपए घाटा हो गया और उसी वक्त इसको 10 रुपए फायदा हो गया। तो ये हो गया प्रीमियम वैल्यू। तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला आएगा आईवी, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो इसने जितना भी कमाया है वो 40 रुपये यहाँ पे आएंगे, माइनस इसने जो गवाया था स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो 10 रुपये इसने गवा दिए थे, तो 10 रुपये इसमें से माइनस करेंगे हम। तो 40 में से 10 रुपये गए, तो कुल मिला के जो मलाई बची है, प्रॉफिट बचा है, वो 30 रुपये का प्रॉफिट बचा है दोस्तों। तो 30 रुपये का प्रॉफिट मतलब यहाँ परसेंटेज से देखेंगे तो 300% यहाँ पे मुनाफा पी बायर्स ने कमाया दोस्तों प्रॉफिट की तौर पर, और ये पूरा पूरा बहुत ही ज्यादा है। तो इसे हमने यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट बोला है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट बोला है ना। और यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हो कि बियरिश मार्केट होने की वजह से, यानी 70 के नीचे गया था ना दाम, 30 रुपये पे आके रुका एक्सपायरी डेट पर, तो मार्केट कैसा है, बियरिश है। और बियरिश मार्केट में ये जो पीई बायर था, जो बियर माइंडेड था, जिसने बोला था कि प्राइस 70 के नीचे रहेगा, तो इसका बोलना सही हो गया। तो ये देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स ये चढ़ रहा है, यानी इसका एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। अब इसका बिल्कुल जो मिरर इमेज है पीई सेलर, अगर पीई बायर कमाता है तो उसी वक्त पीई सेलर नुकसान में रहता है दोस्तों। अब जैसे हमने बोला था कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त इसने इसको 10 रुपया दिया, ये खुद तो नुकसान में गया, लेकिन पीई सेलर जो है इसने 10 रुपया मुनाफा कमा लिया। तो लेकिन अब जो हुआ कि इसका मानना था कि 70 रुपये के ऊपर जाएगा प्राइस, लेकिन मार्केट तो बियरिश था, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट बियरिश होने की वजह से 70 के नीचे आया, इसकी तरफ से रिजल्ट नहीं आया, तो इसकी वजह से इसको लॉस हो गया। अब लॉस कितना होगा वो देखेंगे। इसने प्रीमियम कमा लिया था 10 रुपये, उस 10 रुपये में से हम इसका आईवी वैल्यू जो आया इंट्रेंसिक वैल्यू कितना आया, 40 रुपये नुकसान, इसको हम यहाँ पे 40 माइनस करेंगे, 10 तो कमाया था 40 गवाया है, तो कुल मिला के टोटल नुकसान कितना हुआ, 30 रुपीज हुआ है ना। 40 रुपये टोटल कुल नुकसान था, लेकिन पहले 10 रुपये यहाँ पे मुनाफा बना लिया था प्रीमियम के तौर पर, तो पूरे नुकसान से ये 10 रुपये हमको घटाना पड़ेगा, तभी इसका पूरा पूरा असल घाटा जो है, नुकसान जो है वो हमारे सामने आएगा। तो इसका नुकसान कितना हुआ, 30 रुपया नुकसान हुआ, ठीक है। तो 30 रुपया नुकसान माने 10 के ऊपर 30, यानी इसका प्रतिशत निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 300% नुकसान हो गया है, यानी कितना ज्यादा हो गया, देखो 10 रुपये के हिसाब से 30 रुपये है ना, तो 300% यहाँ पे नुकसान हुआ है। इसको एक्सपोनेंशियल लॉस बोलेंगे दोस्तों, छोटा मोटा लॉस नहीं हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट बियरिश मार्केट था, इसने बोला था मार्केट चढ़ेगा, मार्केट उतर गया था, इसलिए ये जो हमारा पीई का सेलर है, जो बुल माइंडेड था, बुल का किरदार निभा रहा था, उसको नंबर ऑफ स्टेप्स उतरना पड़ रहा है दोस्तों, ये जाने के ये एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा हो रहा है उसको लॉस। इसको जितना ज्यादा फायदा हो रहा है उतना ही ज्यादा इसको नुकसान होता है, इसलिए ये दूसरे एक दूसरे के मिरर इमेजेस बोले जाते हैं दोस्तों। ये चढ़ रहा है, ये उतर रहा है ना, ये मुनाफा कमा रहा है, ये अपना फायदा जो था वो तो गवा ही चुका है, प्रीमियम जो इसका था वो तो गवा ही चुका है, उसके ऊपर भी इसका नुकसान हो गया है 30 रुपये का, तो एक्सपोनेंशियली नीचे जा रहा है। इसका जो प्रीमियम गया था वो तो उसने यहाँ पे निकाल दिया और उसके ऊपर इसने 30 रुपये बना लिया है दोस्तों। तो ये एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट है, ये एक्सपोनेंशियल नुकसान है। तो आशा करता हूँ मैं आपको जो बताना चाहता था कि बियरिश मार्केट में एक पीई बायर जो है, जो बियर का किरदार निभा रहा था, वो कैसे एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट कमाता है, और उसी वक्त जब बियरिश मार्केट चलता है, दाम स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाते हैं, उसी वक्त एक पीई सेलर जो बुल का किरदार निभा रहा था, वो कैसे एक्सपोनेंशियली लॉस में जाता है। ये चीज इस वीडियो का मकसद था कि आप तक पहुंचाना, और अगर ये चीज आप तक पहुंची है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसके लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना है दोस्तों, और शेयर भी करना है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होते हैं, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ दोस्तों। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी इस वीडियोस के पीडीएफ है मैंने अमेजॉन किंडल पर अपलोड करे हैं दोस्तों, जिसके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3
की किताबें हैं जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ दोस्तों। जो लोग अपने इस वीडियो के साथ में रिवीजन लगाना चाहते हैं तो वो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और अपनी जो ये जड़ है ट्रेडिंग नॉलेज का जो जड़ है उसे और भी मजबूत बनाना चाहते हो तो वहाँ से आप रिवीजन लगा सकते हो। और जो नए लोग हैं, नए ट्रेडर्स लोग हैं, उनसे दिल से दरखास्त है, दिल से गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इस बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होता है कि जब भी हमारा वीडियो आता है एक नोटिफिकेशन या एक मैसेज आपके मोबाइल पे जारी होता है जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप ट्रेडिंग की दुनिया के नॉलेज में एक कदम और आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।